हेलो ग्रीटिंग्स डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दिस इज महेश फॉर शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल गतौली टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर थ्री फ्रॉम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड फोर चौथी कक्षा सब विषय है गणित और उसका पार्ट तीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सो वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम बहुत अच्छे से जानते हैं जोड़ और घटा क्या होता है इससे पुरानी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं यानी आप कक्षा दो और कक्षा तीन में भी ये चीज़ें हल कर चुके हैं जोड़ना और घटा करना क्या होता है आज हम इस कड़ी में एक पाठ आगे पढ़ेंगे इसमें आप बड़ी संख्याओं का जोड़ और घटा पढ़ोगे जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो ये लार्ज नंबर्स हैं लार्ज नंबर्स को ऐड और सब्ट कैसे करना है इसमें जोड़ना और घटा करना बदलता नहीं है जोड़ना और घटा करने की चीज़ें वही हैं बस बड़ी संख्याओं में इसका फ़र्क क्या पड़ेगा वो हम देखेंगे उससे पहले हम जानते हैं कुछ इन चीज़ों के बारे में जो न्यू वर्ड्स इस संबंध में आप पढ़ोगे जैसे कि अगर आप दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो जो दो आप नंबर्स जोड़ रहे हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं एड ए डी डी ई एन डी एड एंड यानी जिस नंबर को जोड़ा जाना है तो जब भी आप जोड़ते हैं तो कम से कम दो नंबर तो होंगे ही दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं एड एंड वन एड एंड टू तो जो आपने पहले लिखा है वो एड एंड वन बन जाएगा जो बाद में लिखा है वो एड एंड टू बन जाएगा एड एंड मतलब जिस नंबर को जोड़ा जाना है एड एंड वन एड एंड टू और जो इन दोनों को जोड़ के आपको उत्तर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं फिर सम इसीलिए जो ऐसे प्रश्न मिलते हैं आपको उन प्रश्नों में क्या लिखा होता है फाइंड द सम ऑफ़ द टू नंबर्स इन दोनों संख्याओं का जोड़ पता कीजिए तो सम का मतलब इधर जोड़ जो उत्तर आपको मिलेगा जोड़ने के बाद तो दैट इज़ सम तो यहाँ जो तीन टर्म्स हैं वो आपको समझ में आई एड एंड जिस नंबर को जोड़ा जाना है एड एंड वन पहला नंबर जिसे जोड़ना है एड एंड टू दूसरा नंबर जिसे जोड़ना है सम मतलब जो जोड़ आपके पास निकल के आया है वैसे ही जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटा करने के जो सवाल है माइनस वैन यू सब्ट्रैक्ट समथिंग तो सब्ट्रैक्ट करने में भी ऐसे ही दो चीज़ें आएंगी दैट इज़ मिन्यू एंड एंड मिनुएंड मीन्स वो बड़ी संख्या जिसमें से कोई छोटी संख्या को घटाया जाना है तो जो बड़ी संख्या है उसे हम क्या कहेंगे मिनुएएड मिन्यू एंड एम आई एन यू ई एन डी मिनुएएड और जो छोटी संख्या है जिसे उस बड़ी संख्या में से घटाना है उसे हम क्या कहेंगे सब्ट्राह और इन दोनों में जो अंतर निकल के आएगा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा उसे हम क्या कहते हैं डिफरेंस इसीलिए इस प्रकार के सवालों का अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इन दोनों अंकों के बीच का अंतर पता कीजिए दैट इज़ डिफरेंस वो इस इस सवाल का उत्तर होता है सो तो ये आपको समझ में आ गए होंगे एड मतलब जिसको जिस नंबर को जोड़ना है तो एड एंड वन पहला नंबर एड एंड टू दूसरा नंबर सम उनका उत्तर जोड़ने के बाद क्या आता है ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने में मिन्यू एंड जो बड़ी संख्या है जिसके अंदर से कोई संख्या हम घटाते हैं सप्ट्रा हैंड जो छोटी संख्या है जिसे आपको बड़ी संख्या में से घटाना है और डिफरेंस इनके घटा करने के बाद उत्तर क्या निकल के आता है ओके उसके अलावा यहाँ दिखाया हुआ है रीग्रुप और ग्रुपिंग के बारे में बताया हुआ है इसमें क्या है कि दस बार आप एक चीज़ को जोड़ोगे तो आपको एक टेन मिल जाएगा वैसे ही यहाँ आपको दिखाया है दस बार दस के ग्रुप बनाओगे तो यहाँ सौ मिल जाएंगे तो ये आपको इसलिए बताया क्योंकि प्लेस वैल्यू आपको समझाया गया था फिर एडिशन आपको बहुत अच्छे से आता है ये एडिशन में यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं करना है इसमें आपने ऑलरेडी हम एक्सरसाइजेज इसकी प्रैक्टिस जोन वन टू थ्री फोर सॉल्व कर चुके हैं ये केवल आपको समझाने के लिए एक वीडियो दोबारा से बनाया जा रहा है तो इसमें केवल आपको ध्यान क्या रखना है कि प्लेसिज आपको लिखने हैं ये टी टी एच क्या है टेन थाउजेंड टी एच थाउजेंड एच हंड्रेड टी टेन्स ओ वन तो आपने पीछे से प्लेसेस हमेशा काउंट करते हैं वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ऐसे प्लेसेस लिखे और ऊपर थोड़ी सी जगह खाली छोड़िए कैरी के लिए अब आप यहाँ सिक्स प्लस फाइव करते हैं शुरुआत हमेशा कहाँ से करेंगे ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की राइट right साइड से जो सबसे छोटा प्लेस है तो सबसे छोटा प्लेस क्या होता है वंस तो वंस प्लेस से ऐड करना शुरू किया सिक्स प्लस फाइव होता है इलेवन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं केवल एक डिजिट लिख सकते हैं तो इलेवन में से जो राइट साइड वाली डिजिट है वो आपने लिख दी वन और जो लेफ्ट वाला वन था वो कहाँ चला जाएगा कैरी चला जाएगा नेक्स्ट प्लेस पर तो टेंथ प्लेस पे वन कैरी और ये थ्री और फाइव इन तीनों को ऐड करेंगे वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस फाइव नाइन तो यहाँ नाइन लिख दिया अब नेक्स्ट प्लेस पे चलेंगे नाइन प्लस एट इज़ सेवनटीन सेवनटीन का आपने सेवन यहाँ लिखा और जो लेफ्ट प्लेस था वन वो कैरी कहाँ चला गया नेक्स्ट प्लेस पे थाउजेंड प्लेस पे तो थाउजेंड प्लेस पे वन कैरी थ्री प्लस वन फोर प्लस फोर एट एंड थ्री प्लस वन इज फोर तो आपका आंसर आ गया फोर एट सेवन नाइन वन फोटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी वन तो ये आप एडिशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं अभी आपको केवल किन बातों का ध्यान रखना है कि दो नंबर्स जो इनको ऐड करना है वो पहले लिखिए उसके बाद एक खाली गैप छोड़िए उसके बाद ऊपर वाली लाइन में इनके प्लेसेस का नाम लिखिए वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ये प्लेसेस का नाम लिखेंगे उसके बाद ऐड करना शुरू करेंगे और जो भी कैरी आएगी जैसे यहाँ दिखाया हुआ है स्टेप वन में क्या करना है इनकी प्लेसेज अरेंज करने हैं स्टेप टू में क्या करना है आप सबसे छोटे प्लेस जो राइट हैंड साइड है उससे ऐड करना शुरू करिए और अगर कोई कैरी बनती है तो कैरी आगे अगले प्लेस पे ट्रांसफ़र करिए ठीक है स्टेप बताए हुए हैं आपकी बुक में ये ये पेज नंबर थर्टी सिक्स अभी फिलहाल हम पहुंच गए हैं तो स्टेप थ्री में क्या लिखा है ऐड द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस अभी आपने वंस प्लेस के डिजिट को ऐड किया तो टेंस प्लेस के डिजिट को ऐड करिए और उसके अंदर कैरी भी जोड़िए और उसमें जो भी आपका आंसर आता है उसका राइट पार्ट केवल एक डिजिट यहाँ लिख सकते हैं अगले डिजिट कैरी में चला जाएगा आगे स्टेप फोर में क्या है फिर से इसकी भी कैरी आगे फॉरवर्ड होती जाएगी इसी को रिपीट करते जाइए और आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा ओके okay? सो so ये था आपका एडिशन का और इस प्रकार से आप उसको कर सकते हो सॉल्व वैसे ही अभी है सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन में क्या होता है आप कैरी जैसे इस एडिशन में कैरी फॉरवर्ड करते थे इसमें क्या होता है कैरी आप राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करते हो यानी वो बोरो करते हैं तो इसमें क्या है जैसे यहाँ देखिए हमने क्या बताया था जो नंबर बड़ा नंबर होता है उसे हम कहते हैं मिन्यू एंड और जो छोटा नंबर होता है उसे कहते हैं सप्ट्रा हैंड तो ये मिन्यू एंड क्या है इसमें फोर्टी एट थाउजेंड सेवन नाइन्टी वन सप्ट्रा हैंड क्या है इसमें वन थ्री नाइन थ्री फाइव थर्टीन थाउजेंड नाइन थर्टी फाइव तो इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट करने चलते हैं तो देखिए वन में से फाइव को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते फाइव बड़ा है तो आप क्या करोगे इस वन को एक बोरो दोगे कैरी यहाँ से उधार लेगा ये तो क्या होगा इस नाइन में से एक इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा एलेवन तो एलेवन में से फिर फाइव सब्टैक्ट करोगे तो सिक्स आंसर आ जाएगा यहाँ इसने एक उधार दी थी तो अब ये नाइन नहीं बचा अब ये क्या बचा है एट वो आप यहाँ लिखेंगे ठीक है तो जहाँ आप जैसे एडिशन में कैरी लिखते थे यहाँ आप क्या लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो सब बच जाता है वो लिखेंगे तो यहाँ आपने कैरी फॉरवर्ड किया था यहाँ ग्यारह बन गया था यहाँ कैरी एक इसमें से गया था तो यहाँ एट बचा है एट में से थ्री फाइव अब यहाँ देखिए सेवन और नाइन तो सेवन बड़ा नहीं है नाइन बड़ा है तो इस सेवन में से नाइन सब्टेट नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे इस सेवन को अब उधार चाहिए यहाँ से ये उधार लेगा एक कैरी तो ये सेवन की जगह हो जाएगा सेवनटीन क्योंकि जब भी हम कैरी लेते हैं तो टेन ऐड हो जाता है उसमें तो यहाँ से सेवनटीन हो जाएगा और यहाँ सेवनटीन में से नाइन सब्टेक्ट करोगे एट आंसर आ जाएगा अब इसने उधार दी है तो ये एक कम हो जाएगा ये एट था अब ये सेवन हो गया सेवन में से थ्री फोर फोर माइनस वन थ्री तो ये आपका आंसर आ गया ओके आई होप दिस इज क्लियर ये आप पहले भी करते थे ये आपने पहले भी सीखा हुआ है अब आप केवल इनको बड़ी संख्याओं के साथ कर रहे हो एक नई चीज जो आपने इस क्लास में सीखी है वो है एस्टिमेशन एस्टिमेशन का मतलब क्या है अंदाजन आंसर क्या होगा वो हम निकालते हैं एग्जैक्ट आंसर नहीं अंदाजन राउंड ऑफ करके राउंड ऑफ करना क्या होता है कि किसी भी संख्या को किसी गिवन प्लेस के अबाउट ये बता दो कि ये लगभग इतना है जैसे अगर मैं आपको कहूँ किसी ने आपसे पैसे उधार लिए हैं पाँच हजार अगर हम कहें कि इसको राउंड फिगर कर लीजिए और आप पाँच हजार दो सौ पाँच को पाँच हज़ार बोल देते हैं राउंड फिगर में तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको थाउजेंड प्लेस पे राउंड ऑफ कर दिया है यानी पाँच हज़ार दो सौ थे तो आपने उसको पाँच हज़ार मान लिया तो इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना तो ऐसे ही इसमें एस्टिमेट करना हो अगर सम को एस्टिमेट करना है तो इसमें भी क्या किया हुआ है देखिए नियरेस्ट थाउजेंड पर राउंड ऑफ किया हुआ है यानी इसमें क्या है फिफ्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड इलेवन तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अगर थाउजेंड प्लेस पे तो अब आप ये देखिए ये प्लेस क्या है वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड तो ये थाउजेंड प्लेस क्या है इसमें टू है तो थाउजेंड प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या है राउंड ऑफ का रूल क्या होता है कि राउंड ऑफ़ जिस प्लेस पे करना है इस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो उससे नेक्स्ट प्लेस को देखिए और उसकी वैल्यू अगर फाइव या फाइव से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा दीजिए नाइन फाइव से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे टू को एक बढ़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगा फिफ्टी थ्री थाउजेंड फिफ्टी टू नाइन हंड्रेड को जब राउंड ऑफ करोगे तो आपको नंबर मिलेगा फिफ्टी थ्री थाउजेंड और यहाँ नाइन थाउजेंड टू है अब नाइन के बाद जीरो तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा नाइनटीन थाउजेंड ही तो ये राउंड ऑफ करके नाइनटीन थाउजेंड बन जाएगा इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो इस सम का एस्टिमेटेड वैल्यू हमने राउंड ऑफ करके निकाल दिया है अब इसको क्या है ऐड करना इजी हो जाएगा फिफ्टी थ्री थाउजेंड प्लस नाइनटीन थाउजेंड तो बेसिकली आपको क्या करना है फिफ्टी थ्री और नाइनटीन को ऐड करना है विच विल गिव अस सेवेंटी टू राइट तो सेवेंटी टू थाउजेंड विल बी द आंसर ये है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ़ द सम ये भी करना आपको सीखना है इसमें तो इसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिस जोन वन था जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व करके आपको भेज चुके हैं आई होप आपने ये आपकी बुक में पेंसिल से और नोटबुक में पेन से की कर लिया होगा इसका पार्ट टू भी था एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड वैल्यू ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके नियरेस्ट थाउजेंड वैल्यू में क्या करोगे आप इसको राउंड ऑफ़ करोगे तो सेवेंटी नाइन इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था फाइव या फाइव से बड़ा हो तो इसको राउंड ऑफ करके क्या करेंगे इसमें एक वैल्यू बढ़ा देंगे नाइन में एक वैल्यू बढ़ाओगे जीरो आगे कैरी जाएगा तो ये एट्टी थाउजेंड हो जाएगा एट्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड राइट तो दिस विल बिकम वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ओके अब इसको ऐसे ही करेंगे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सेवन थर्टी फोर तो इसमें सेवन जो है ये है आपको जिसके बेसिस पे इसको राउंड ऑफ करना है थाउजेंड प्लेस पे कौन है सिक्स है थाउजेंड से नेक्स्ट प्लेस क्या है सेवन तो ये पांच से बड़ा है ना तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहां फिफ्टी सेवन थाउजेंड हो जाएगा इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो ये सिक्सटी थाउजेंड हो जाएगा फिफ्टी सेवन थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड तो ये आपका नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगा फिर आपके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन था कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी इज़ द फर्स्ट वन कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है आप वन प्लस टू करो तो भी आंसर थ्री आएगा और टू प्लस वन करो तो भी आंसर थ्री आएगा यानी इनका ऑर्डर अगर बदल दोगे इसको नीचे नीचे वो ऊपर लिख दोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा ये है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि तीन चीजों को अगर आपको जोड़ना है जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है तो इसको जोड़ोगे इन दोनों के सम के साथ तो भी आंसर जो आएगा वो सेम होगा अगर आप इसको इसके साथ जोड़ने के बाद उत्तर को इससे जोड़ोगे यानी इनमें आगे पीछे भी कर दोगे ऐड करने में तो भी आंसर सेम आएगा इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओके उसके बाद आपने प्रैक्टिस जोन टू करना था प्रैक्टिस जोन टू के भी हमने आपको सॉल्यूशंस ये भर के भेज दिए थे ये आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा इसमें आपको कुछ नहीं करना दोनों साइड को कंपेयर करना था कि इसको इसके साथ जोड़ा तो ये किसके बराबर आना चाहिए अब आपने क्या लिखा है ये वाला नंबर सेम है तो इसका सम बराबर कब आएगा जब इसके अंदर यही वाली चीज़ वापस से जोड़ दोगे तो ऐसे ही आपको एनालाइज कर कर करके ये पूरी प्रैक्टिस जोन भरनी थी जो हमने आपको सॉल्व करके भी भेजी थी आई होप आपको समझ में आ गया होगा सप्ट्रैक्ट करने का तरीका आपको अब जैसे अभी पहले सिखाया ये मीन्यू एंड है ये सप्ट्रा हैंड है आप कैरी लेते हो वो कैरी कैसे फॉरवर्ड होती है वो यहाँ पे आपको दिखाना होता है तो जब आप कोई एग्जाम में लिखना होगा या नोटबुक में लिखना होगा तो हमेशा इन कैरीज़ को ऐसे आप दिखाओगे कि आपने ये वन की जगह इलेवन माना है तो यहाँ इलेवन आ जाएगा इलेवन कैसे बना इसमें से कैरी लिया है तो इसको आपने स्ट्राइक कर दिया काट दिया कि थ्री अब थ्री नहीं बचा अब ये टू हो गया है ओके okay, जब इसकी बारी आई तो टू माइनस फाइव नहीं हो सकता तो इसको फिर से कैरी चाहिए तो इसको फिर से स्ट्राइक किया और टू को ट्वेल्व बना दिया ये टू ट्वेल्व कैसे बना कि आपने इस टू में से कैरी लिया है तो इस टू को स्ट्राइक कर दिया इसको वन बना दिया ठीक है अब इस वन में से नाइन को सब नहीं कर सकते ये फिर से छोटा रह गया तो इसको फिर से कैरी चाहिए तो इस वन को भी स्ट्राइक कर दिया इसको इलेवन लिखा कहाँ से बना ये इलेवन इस नाइन में से एक कैरी लिया तो ये एट बच गया तो इस तरीके से आपको ये कैरी लेके बचता क्या है लेफ्ट ओवर उसको दिखाना है पेपर पे तो वो ऐसे दिखाना है ये तरीका आपको याद रखना है ठीक है इसके बेसिस पे आपको इसके स्टेप्स दिए हुए हैं कैसे करना है ये भी सेम है जैसे आपने एडिशन देखा बस इसमें क्या है ये आपको लिखना होता है कि इनसे कैरी मिली तो ये इलेवन बन गया और ये नाइन की जगह एट बन गया तो ये स्टेप्स मैं आपको दिखाना है नोटबुक में ठीक है जब आप सॉल्व करोगे इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस जोन थ्री भी हमने सॉल्व करके भेजा था आई होप आपने ये भी किया होगा इसको नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है तो ये हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था इसको स्ट्राइक थ्रू भी करना है इसकी कैरी यहाँ गई तो ये फोर्टीन बना और ये सिक्स बच गया ये भी आपको लिखना है इसका पार्ट जो टू है एस्टिमेट द फॉलोइंग तो ये एस्टिमेशन का वाला काम भी करना है तो नियरेस्ट थाउजेंड पे करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी हमने आपको सॉल्व करके फोटो क्लिक करके भेजा है तो आप नोटबुक में वैसे ही करिएगा आपको प्रैक्टिस जोन फोर भी हमने करा के भेजा था ये भी पूरा सॉल्व करके आपको फोटो क्लिक करके भेजा हुआ है और आज हमने आपको प्रैक्टिस जोन फाइव जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है वर्ड प्रॉब्लम में क्या मतलब क्या है कि आपको केवल नंबर नहीं दिए आपको कोई प्रॉब्लम समझाई है वर्ड्स में जैसे यहाँ समझाया है एक शॉपकीपर ने इतने किलो गेहूँ बेचा जनवरी में और इतना किलो गेहूँ बेचा फरवरी में टोटल गेहूँ कितना बेचा उसने तो टोटल गेहूँ कैसे निकालेंगे जनवरी वाली जो बिक्री थी उसमें फरवरी वाली बिक्री को ऐड कर देंगे तो बेसिकली करना आपको ऐड ही है लेकिन उसको ऐड करने से पहले ये प्रॉब्लम जो है शब्दों में दी हुई है इसको समझना है ठीक है तो वो आपको ये आज हमने पार्ट ए और बी दोनों सॉल्व करके भेजे हैं आज आप उसको ये चीज़ नोटबुक में लिखनी है पूरी साफ साफ तरीके से और समझना है अब देखिए पार्ट ए में आपको समझा देता हूँ राहुल रोट बुक ऑन फेरी टेल्स एंड रिलीज फिफ्टी थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव कॉपीज़ ऑफ़ इट राहुल नाम के एक लड़के ने परियों की कहानी एक किताब लिखी उसकी ये ना पचास हज़ार पाँच सौ पच्चीस कॉपियाँ बेची पचास हजार पांच सौ पच्चीस किताबें बिक गई वो एज द बुक गॉट गुड रिस्पॉन्स फ्राम द रीडर्स फोर्टी थाउजेंड थ्री नाइनटी नाइन कॉपीज ऑफ द सेकेंड एडिशन पहला एडिशन जो उसको पसंद आया लोगों को यानी उसकी सेल अच्छी हुई तो पब्लिशर ने क्या किया चालीस हजार तीन सौ निन्यानवे कॉपीज दोबारा से प्रिंट की तो आपको बताना है टोटल कितनी कॉपीज प्रिंट हुई और उसके बाद आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है एस्टिमेशन से तो पहले तो आप टोटल कॉपीज कितनी प्रिंट हुई कैसे बताओगे पहली बारी में कॉपी प्रिंट हुई पचास हज़ार पाँच सौ पच्चीस दूसरी बारी में प्रिंट हुई चालीस हज़ार तीन सौ निन्यानवे तो टोटल कितनी हुई कैसे निकालेंगे ऐड दैम इन दोनों को जोड़ देंगे फिफ्टी थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस फोर्टी थाउजेंड थ्री नाइन्टी नाइन तो इनको ऐड करेंगे आप ऐड करके आप इसका सोल्यूशन बता देंगे तो ये बहुत सिंपल है वही आपको करना है इसके लिए तो ये हमने आपको सोल्यूशन भी भेजा है मैं आपको साथ साथ रेफर करवाता हूँ ये हमने आपको सोल्यूशन भेजा था फिफ्टी थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव फोर्टी थाउजेंड थ्री नाइन्टी नाइन और साथ में आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है नोटबुक में नंबर ऑफ कॉपीज़ रिलीज फॉर फर्स्ट एडिशन इतना नंबर ऑफ कॉपीज़ पब्लिश फॉर सेकेंड एडिशन इतना टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ पब्लिश कैसे निकालेंगे इसको इसको जोड़ेंगे फिर आपको ये जोड़ के भी दिखाना है पहले प्लेसेस लिखिए वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड उसके बाद में एक लाइन छोड़िए उसके बाद पहला नंबर इसको क्या बोलते हैं एड एंड वन एड एंड टू एड एंड वन एड एंड टू लिखिए उसके बाद जोड़िए नाइन प्लस फाइव फोर्टीन होता है फोर यहां वन कैरी तो वन को यहां दिखाइए तो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस नाइन ट्वेल्व टू यहां वन कैरी तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है टोटल नंबर ऑफ कॉपीज हमारा आंसर आ गया नाइनटी थाउजेंड नाइन ट्वेंटी फोर बट आपको सेकंड पार्टिस में क्या कहा है वेरीफाई करना है एस्टिमेशन से एस्टिमेशन में क्या करना होता है राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट थाउजेंड पे नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड ऑफ करेंगे पहला नंबर है फिफ्टी थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव तो फिफ्टी फाइव ट्वेंटी फाइव में थाउजेंड प्लेस कौन सा है ये थाउजेंड के बाद वाले प्लेस को देखना है कि ये पाँच या पाँच से बड़ा है है पाँच है ये तो इस नंबर में एक जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा फिफ्टी वन थाउजेंड आगे वाले सारे पार्ट्स को जीरो करना होता है राउंड ऑफ करते वक्त अब ऐसे ही इसको देखेंगे इसके बाद वाला पार्ट पाँच से बड़ा है नहीं है तो क्या करोगे आप इसमें एज इट इज इसको रखोगे और बाकी पार्ट को जीरो कर दोगे तो ये बन गया फोर्टी थाउजेंड और इन दोनों को जोड़ोगे फिर फोर्टी वन थाउजेंड फिफ्टी वन थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड बन गया नाइन्टीन नाइन्टी वन थाउजेंड ये आपका गिवन जो आपका आंसर है उसके बिल्कुल नजदीक है तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया इसे कहते हैं एस्टिमेशन तो यही आपको पार्ट आपका एक और उसमें है पार्ट बी उसमें भी करना है उसमें भी दिया हुआ है बोल्ट आइए पहले स्टेटमेंट पढ़वाता हूँ आपको मैं पार्ट बी की स्टेटमेंट क्या है ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 53,500 बोल्ट्स ऑन मंडे एक कंपनी है जो बोल्ट बनाती है नट बोल्ट वो मंडे को बनाती है 53,500 और ट्यूसडे को बनाती है 24,800 बोल्ट्स तो दोनों दिन में टोटल मिला के कितने बोल्ट मैन्युफैक्चर किए तो कैसे निकालेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे ऐड करेंगे तो इसके बाद इन्होंने कहा है आपके आंसर को वेरीफाई भी करिए बाई एस्टिमेशन वही जो चीज़ हमने अभी अभी की है एस्टिमेट भी करना है आपको तो इसमें आपने कैसे किया राउंड ऑफ किया सबसे पहले एस्टिमेट करने के लिए पहले वाला पार्ट तो बहुत इजी है आप समझ जाएंगे वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे इसको थाउजेंड प्लेस पे एस्टिमेट करेंगे तो थाउजेंड प्लेस के नेक्स्ट प्लेस यानी हंड्रेड प्लेस को जज करेंगे फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड में हंड्रेड प्लेस पे है फाइव पाँच या उससे बड़ी संख्या होती है तो हम क्या करते हैं थाउजेंड प्लेस में एक जोड़ देते हैं तो यहाँ फिफ्टी थ्री की जगह हो जाएगा फिफ्टी फोर और इसके बाद वाले सभी नंबर्स को क्या लिखेंगे जीरो 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 ऐसे ही ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड को देखिए इसमें थाउजेंड प्लेस पे है फोर हंड्रेड प्लेस पे क्या है एट ये पाँच से बड़ा है तो आप क्या करोगे इसमें ट्वेंटी फोर वाले फोर में एक ऐड कर दोगे बन जाएगा ट्वेंटी फाइव और इसके बाद वाले सारे डिजिट्स को क्या कर दोगे जीरो बन गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन दोनों को ऐड कर दीजिए अब आपका आंसर आ गया सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइन थाउजेंड आपके गिवन आंसर के सेवेंटी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड के क्लोज है तो आपका एस्टिमेशन से आंसर वेरीफाई हो गया तो ये आंसर आपको लिखना है इसकी फोटोज़ भी आपको भेज दिए गए हैं तो आप इसको देख के आपकी नोटबुक में साफ साफ लिखेंगे विद दिस आपकी प्रैक्टिस जोन फाइव भी सॉल्व हो जाता है ओके नेक्स्ट टाइम वी विल प्रोग्रेस अहेड ऑन प्रैक्टिस जोन सिक्स आई होप सो फार आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा प्रैक्टिस वेल well, अभी तक अगर आपने नहीं प्रैक्टिस जोन नहीं भी किए हैं इस चैप्टर के तो आज करिए उनको आपको ऑलरेडी उनके फोटोज भेजे जा चुके हैं थैंक यू